नमस्ते क्लास, क्लास टेंथ, चौथा दिन एसएसटी का लास्ट वीडियो। चार दिन में हम लोग समाप्त कर सकते हैं एक चैप्टर को, और आज ही जस्ट इसके पहले अगर आप बिना पार्ट सेवन देखे पार्ट एट देख रहे हैं, जो कि ये है, तो गलत है। आपको पार्ट सेवन देखना होगा। जस्ट इसके पहले ग्लोबलाइजेशन क्लास टेंथ पार्ट सेवन करके अपलोड किया गया है, बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक, चार दिन के बातों को हम लोग 10 मिनट में समाप्त कर सकते हैं, सारे सवाल को मार सकते हैं विद इन योर सिलेबस। ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा वर्ड है, तो बिना कोई रीकैप किए हुए, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आपने जस्ट इसके पहले एक वीडियो देखा है, हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन का असर कैसा है? तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का असर बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, मिला जुला प्रतिक्रिया है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर से बात कर लें तो कस्टमर के लिए बेहतरीन है, मज़ेदार है, उनको तो बहुत वैरायटी में सामान मिल जाता है, फुल बेनिफिट है, प्राइस में भी बेनिफिट है। हम प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर हैं। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल वगैरह बनाते हैं, जिनका डायरेक्टली कनेक्शन हो सकता है MNC से। MNC वाले आएंगे सीधे, उनसे प्रोडक्ट लेंगे तो उनको खूब बेनिफिट हो रहा है। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है MNC से, वो प्रोड्यूसर को MNCs के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपटीशन करना है। तो कंपटीशन के दोनों पहलू हैं, कोई कंपटीशन में सर्वाइव भी कर जाएगा, कोई कंपटीशन में खराब हो जाएगा। तो जो कंपटीशन में हार गए उनको दुकान बंद करना पड़ा, मिलियंस ऑफ जॉब्स ख़त्म हो गए, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। यहाँ ख़राब असर पड़ा ग्लोबलाइजेशन के लिए, उनसे पूछिएगा, छोटे छोटे स्तरों पे जो काम करते हैं उनसे पूछिएगा, तो उनके लिए ग्लोबलाइजेशन श्राप है। हाँ, इसी कॉम्पिटिशन का पॉजिटिव पलो देखें तो कुछ कंपनीज ड्यू टू कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन, अपने आप को काफ़ी डेवलप कर गए। टाटा, इन्फोसिस, ये सब नाम हो गए कंपनी के, लिखवा चुके हैं, यहाँ तक हो चुका था आपका। ठीक, अब आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, अब बात करते हैं एक और सेक्टर का। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, ख़त्म ना, बनाने वाले खाने वाले हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, बीच में एक और है, मजदूर, वो भी एक सेक्टर है। मजदूरों का मतलब एक वर्कर का, मजदूर तो थोड़ा सा खराब लगता है, वर्कर में देखा जाए तो वर्कर तो कन्फ्यूजन में चल रहा है कि उसको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। बड़ा सा कंपनी वाला ने खोला तो 50 लोगों को नौकरी मिल गया, बड़ी खुश, नौकरी करने वहाँ गए तो बड़ा अजीब अजीब स्थिति है। MNCs के आने से पहले अपना इंडिया का लेबर लॉ काफ़ी स्ट्रांग है, वो पूरा प्रोटेक्ट करता है अपने लेबर को। मतलब जो भी यहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनका पूरा ख्याल करता है लॉ। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर का ख्याल रखे, वर्कर को सर्टेन टाइमिंग में छुट्टी दे, पेड लीव दे, मतलब छुट्टी दे और उसका पैसा भी दे। ठीक, मेडिकल का, हेल्थ के बारे में उनका देखे, कल को जाकर अपने कंपनी से वो कुछ पैसा भी मांग सकते हैं, इसका लॉ बनाया गया कि आप ले सकते हैं कंपनीज वगैरह से। ठीक, काम हो या ना हो उनको पेमेंट देना है, ऐसा काफ़ी सारा लॉ है जो हमारे इंडियन लेबर को स्ट्रांग बनाता है। ठीक, उनको उतना एक्सप्लॉइट नहीं होने देता है। लेकिन जब से विदेशी कंपनी आना शुरू हुआ उनको ये खटकता है, क्योंकि विदेशी कंपनी, मान लीजिए कि मॉल बड़ा सा स्टार्टअप किया, मॉल में साल भर उतनी बिक्री नहीं होती जितना फेस्टिवल सीजन में होता है, तो फेस्टिवल सीजन में सेल बढ़ जाता है, उस समय उनको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत है। जो आप अक्सर देखते होंगे मॉल में काफ़ी सारा नया नया वर्कर आ गया। अब एक बार वर्कर को हायर कर लेगा तो जब सीजन ख़त्म हो जाएगा तो उस वर्कर को आप निकाल नहीं सकते हैं, हमारा लेबर लॉ प्रोटेक्ट करता है उसको। ठीक, जो लेबर लॉ को जिस पे लागू होता है। ठीक, तो अब तो कंपनी को ये वो एक्स्ट्रा घाटा हुआ ना, कंपनी को एक्स्ट्रा घाटा हुआ। ठीक, कि अब तो सेल ही नहीं हो रहा है, अब तो कुछ ही लोग आते हैं तो चार लोग ही काम चला सकता है, पूरा मॉल चला सकता है, तो हमको 40 लोग रखने की जरूरत नहीं है, सीधे 30-35 लोगों का नौकरी ख़त्म, नहीं करने देगा लेबर लॉ। लेकिन लेबरलाइजेशन के नाम पर जो हम लोग रिलीफ दिए लेबर लॉ में कि अब आप अपने लेबर को, अपने वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख सकते हैं, हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ही दिए हैं कि 3 महीने के लिए काम करना है तो बोलो, आओ काम करो, काम तो मिल गया, लेकिन क्या जॉब की सिक्योरिटी रही,
क्या वो एक आदमी उस जॉब से अपना सपना सजा सकता है? क्या उसको पता है कि आफ्टर 3 मंथ मालिक के मन पर है, निकाल देगा तो फिर क्या करेगा? लेबर लॉ, वर्कर का सिचुएशन इन दिस ग्लोबलाइजेशन बड़ी कंफ्यूजिंग है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू जैसा कुछ नहीं कर रहा था, नौकरी तो मिला, कम से कम 3 महीने तो खाएगा, बहुत अच्छी बात, आफ्टर दैट वॉट? हम कोई भी काम करते हैं तो उसका फ्यूचरिस्टिक देखते हैं, फ्यूचर तक बात करते हैं, ठीक। एक तो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर कंपनी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेबर को रखना स्टार्ट कर दिया, और अभी नेटवर्किंग कंपनी में, तो बिहार की बात कर लें, गोपालगंज की बात कर लें, कई सारे लोग बच्चे होते हैं जो नेटवर्किंग में काम करते हैं। नेटवर्किंग मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में नेटवर्किंग का काम होता है, टावर टू टावर, बहुत सारा टावर लगा है तो उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो कई सारे स्किलफुल बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, नोकिया में काम कर रहे हैं। उनको लगता है नोकिया में काम कर रहे हैं, बट बिल्कुल नहीं, वो नोकिया के पेरोल पे नहीं है, मतलब नोकिया कंपनी को उसको कोई मतलब नहीं है। नोकिया कंपनी ने एक थर्ड पार्टी को पकड़ा है और थर्ड पार्टी को कह रहा है कि मेरे ज़रूरत के हिसाब से इतना मैन पावर चाहिए। वो थर्ड पार्टी अपने कंपनी के नाम पे हायर कर रहा है और वो उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक। थर्ड पार्टी कंपनी डायरेक्ट हायर करेगा तो सारे लॉ लगेंगे उसके ऊपर, ठीक, हर चीज़ उसका अपने वर्कर को देना होगा। उन सब से बचना चाहता है तो वो अपना वर्कर बना ही नहीं रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी थर्ड पार्टी से द्वारा ऑर्गेनाइज करवा रहा है, अब बीच के थर्ड पार्टी इसी काम को कर रहे हैं, ठीक। नंबर वन। नंबर टू, कोई टाइमिंग का लिमिटेशंस नहीं, हमारा लेबर लॉ प्रोटेक्ट करता है कि इतना घंटा काम करना होता है, इससे अधिक एक आदमी को काम नहीं करवाना चाहिए। ह्यूमैनिटी नहीं है कि एक आदमी को 15 घंटा 18 घंटा काम करवा देंगे, लेकिन नहीं, लेबर लॉ में लेबर लाइसेंस अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो हम कितना भी काम करवाएं, हम 6 घंटे काम करवाएं, 8 घंटे एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करवाएं, नाइट शिफ्ट में काम करवाएं, ओवर टाइम काम करवाएं, ये मजदूरों का प्रॉब्लम। नौकरी तो मिल गया लेकिन ओवर टाइम करवा रहा है, जीवन ले लिया है उसी दुकान में बैठे जा रहे हैं दिन भर, जब जब सेलिंग का सीजन था तभी, जब होता है तो निकाल भी देता है। अनसर्टेनिटी इन आवर जॉब, ठीक, समझ रहे, बात को समझिएगा, फीलिंग समझिए। ऐसी ये सब बातें आप देखते हैं अगल बगल, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस बता रहे हैं हम आपको, ठीक। दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि कंपनी को नुकसान होता है, अगर कंपनी को नुकसान होता है तो किसी भी कंपनी का बेसिक क्या करें। अब प्रोडक्शंस में रॉ मटेरियल का दाम उतना लगना है तो लगना ही, उसको कम नहीं कर सकता है, तो क्या कर सकता है, हम अपने वर्कर का नौकरी को ख़त्म कर देंगे, हम अपने वर्कर के वेजेस को घटा देंगे जो देते थे उनको, हम मतलब हम लेबर को कम करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहेंगे, क्योंकि हम जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, चमड़ा खरीद रहे हैं, तो उसको कम कर दें तो मेरा प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा ना। हम 2 आदमी हटा देते हैं और 2 आदमी काम बढ़ा देते हैं, मेंटेन, हम 2 आदमी का पैसा ही हाफ कर देते हैं। कोरोना काल में कैसे कर रहे हैं हम लोग, कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक, अपने हिसाब से कैसे चलेगा सब कुछ। तो ये प्राइवेट में होता है, ये प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन मेक्स ग्लोबलाइजेशन, वेरी सिंपल वर्ड। ये प्राइवेटाइजेशन छुपा हुआ होता है लेकिन होता यही है, ठीक। प्राइवेट सेक्टर में है, आप पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, फुल रूल एंड रेगुलेशन में है। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां होती ही नहीं है, वर्कर काम कैसे करेगा, मजबूरी में उसे थर्ड पार्टी के थ्रू किसी प्राइवेटाइजेशन में जाना पड़ता है, जो मालिक कह दे, जैसा काम कह दे, अनसर्टेन तरीके से कम पैसा लेकर ज़्यादा काम करते हैं। इसीलिए तो इंडिया आ रहा है सब काम करने के लिए, यहाँ मजदूरों में कुछ विशेष ऐसा है नहीं, कोई नेता बन जाए उनको मजदूरों के हक के लड़ाई लड़े, लड़ते हैं लोग, ग्राउंड लेवल पर उतना काम नहीं चल पाता है, ठीक। एक एक मजदूर है हमारे यहाँ ही काम लगा है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फोड़ते रहता है सब, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, प्लम्बर का काम कर रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, वो किसी ठेकेदार के अंदर में है, हम ठेकेदार को पैसा देते हैं, हमको नहीं मतलब है किससे काम करा रहा है, वो जिससे काम करा ले अपना। 18, 19 साल के बच्चे हैं, काफ़ी यंग हैं, स्ट्रांग हैं देहात से, तो फोड़ रहे हैं, दीवार फोड़ रहे हैं, ड्रिल चला रहे हैं, 5 साल 10 साल उसके बाद क्या करेंगे वो, बहुत तकलीफ, बहुत बड़ा परेशानी भी है। अब ये काम मिला, बड़ा सा इंडस्ट्री डेवलप करना है तो 500 लोगों को काम मिल जाएगा, दिन रात काम कर रहे हैं बेचारे, पैसा मिल रहा है। तो वर्कर के, समझ रहे हैं, वर्कर का कंसेप्ट, इतने देर में क्या बात की, वर्कर का सिचुएशन बहुत अजीब है, लिखवा देते हैं, 3-4 लाइन में लिखवाते हैं, ठीक। तो लिखिएगा नंबर 3,
क्या लिखवाए हैं हम, फॉर वर्कर हम लोग सेक्टर लिखवा रहे हैं, अगर कंज्यूमर के लिए हो गया, प्रोड्यूसर के लिए हो गया, प्रोड्यूसर में तीन तरह का बांट दिए, लास्ट में लिखेगा फॉर कंज्यूमर, सॉरी फॉर वर्कर डैश, तीन पॉइंट लिखवा, तीन चार पॉइंट लिखवाते हैं। पहला पॉइंट वर्कर में लिखिएगा, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशली SUBSTANTIALLY सब्सटेंशली चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर्स फुल स्टॉप। मोस्ट एम्प्लॉयर दीज डेज, जो काम देते हैं एम्प्लॉयर होते हैं, दीज डेज प्रीफर टू employ workers on contract basis full stop। This means that workers jobs are no longer secure। मूड खराब हो गया मालिक का, तुम्हारा मुंह खराब लग रहा है, तुमको हटा देगा। नया पॉइंट, as cost of raw material cannot be reduced, हम रॉ मटेरियल का दाम घटा नहीं सकते हैं, कॉमा exporters जो व्यापारी हैं ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, हम लेबर कॉस्ट कम कर देंगे, उनको कम करें, उनको कितना चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा, भगा देंगे। नंबर नेक्स्ट, वर्कर्स आल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन, जब एकदम फेस्टिवल सीजन होता है, दिन रात काम करो, तुम कहीं पर भी देख लो ये होता है। लास्ट वन, वेजेस WAGES वेजेस आर लो, ये तो गरीबों के लिए शुरुआत से है। MBA किए थे हम MBA किए थे कंप्लीट, और जब नौकरी लगा सोचे थे कि 50-60 हज़ार रुपये महीना मिलेगा, पहला नौकरी लगा था हमको 10,000 रुपये महीना मिलता था, खाना पीना सब अलग से, 10,000 ओनली, 10,000 रुपया में लेकर MBA किया हुआ स्किलफुल पर्सन हम, 10,000 देता था सब, दिन रात काम करवाता था सब, 2 महीने में भाग गए छोड़ के काम, फिर दूसरा काम किए 1.5 साल में भागे, और तीसरा काम किए तो ये काम कर रहे हैं, 7 साल हो गए हैं, भागे नहीं हैं, मज़ा आता है। ठीक, अब पैसा तो पूछो मत, पूछना मत बिल्कुल भाई, 5-6 में तकलीफ हो गया है। वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट, सबका काम हो जाए, मेरा भी उसका भी, आपको भी एक्स्ट्रा टाइम का पैसा भी देते हैं लोग, ठीक, उनको बेनिफिट, और कंपनी का भी काम हो गया, बेनिफिट डन। ठीक, तो इसको आप मतलब एक हेडिंग था कि फॉर वर्कर, हेडिंग फॉर वर्कर, और लिख लो फॉर कंपटीशन, सॉरी ब्रैकेट लिखो, कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ब्रैकेट बंद, ऊपर लिख लीजिएगा हेडिंग में, मतलब ग्लोबलाइजेशन में पूछेगा ना क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्वेश्चनेबल पॉइंट दिखा रहा है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस तरह से अनसर्टेनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इतना लिखवाया है, 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया है। ठीक, लास्ट पॉइंट फॉर 2 मिनट्स, फेयर ग्लोबलाइजेशन हेडिंग रहेगा, स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन हो तो पूरा प्रयास हो कि अच्छे से हो, बेनिफिट हो, सबको बेनिफिट मिले। क्या ग्लोबलाइजेशन जब सबको मिलकर एक होना है तो क्या सबको बेनिफिट की बात नहीं करेंगे? इसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? जो स्किल्डफुल होते हैं, जो थोड़े अपर क्लास के हैं, थोड़े पढ़ाई लिखाई करके बने हुए हैं, जिनका नंबर ऑफ पीपल वो कम है, उनको बेनिफिट है, बिल्कुल है, नो डाउट। लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या तो अपने इंडिया में तो कमज़ोर ही है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको वो वर्कर क्लास में चला जा रहा है। ठीक, प्रोड्यूसर है अगर तो पढ़ा लिखा है, समृद्ध है, पैसा वाला आदमी है, अपर लेवल का आदमी है, तो वो कॉम्पिटिशन्स को मार को सह कर बड़ा भी होने का चांस तो है उसके पास। अरे बर्बाद हो गया दूसरी बात है, बर्बाद हो गया दूसरी बात है, लेकिन चांस तो है सर्वाइव होने का। लेकिन वो जिनके पास स्किल नहीं है, मजदूर टाइप के हैं, उनके पास तो इस ग्लोबलाइजेशन में चांस भी नहीं है कि हम सर्वाइव करके स्ट्रांग बन के आगे बढ़ जाएंगे। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन, WTO भी पूरे वर्ल्ड में एक साथ चले, डोमिनेंट ना हो किसी 2-4 कंट्री से, सभी लोगों को बेनिफिट मिले,
यही फेयर रेगुलेशन होगा। हमारा कंट्री हमारे लेबर लॉ को प्रोटेक्ट करे, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करे, यही फेयर रेगुलेशन होगा। जब तक हम सबका भला नहीं देखेंगे तब तक फेयर रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक, तो सवाल पूछे जाते हैं फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा। हेडिंग हो चुका है, लिखिए पॉइंट फटाफट। नया पहला पॉइंट, एवरीवन हैज नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, दिस इज द फैक्ट। पीपल विथ एडुकेशन कॉमा स्किल एंड वेल्थ, पढ़ा लिखा है, गुण भी है उसमें और पैसा भी है, हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड देर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट्स। दूसरा पॉइंट, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। आप पॉज कर लिख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर सबसे ज्यादा है, गेट देयर राइट्स डन। आप वीडियो पॉज करके ऑडियो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कंप्लीट होता है ये चैप्टर, एक और चैप्टर हम लोग समाप्त कर गए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, डे फर्स्ट में कहा गया था और डे लास्ट में कह रहे हैं। फर्स्ट डे में हो सकता हो कि कुछ अच्छा लगा हो चाहे खराब लगा हो सकता हो तीन दिन के अंदर अच्छा लगा खराब। कमेंट सेक्शन में जो कुछ लिखते हैं तो हम और आप कुछ कनेक्टेड फील होते हैं। ठीक, कुछ अप्रिसिएशन तो चाहिए ना जी, कुछ डीम मतलब कुछ नेगेटिव बातें पॉजिटिव बातें सब चाहिए, कंपटीशन है ना, सब बातें नेगेटिव मतलब क्रिटिसाइज होना, क्रिटिसिज में भी बेनिफिट होने का चांसेस हम लोग ढूंढ लेते हैं। एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया, फिलहाल इस चैप्टर से टेस्ट नहीं रखा जाएगा क्योंकि कल ही तो टेस्ट दिए हैं आप। ठीक, तो हम लोग अब कल से नया पार्ट, कल से हम लोग साइंस में क्या फिजिक्स में क्या इलेक्ट्रिसिटी करंट चलाते हैं। ठीक, चलाते हैं, कुछ बच्चे सोए होते हैं, करंट मारा जाएगा, झंझना के उठेगा सब। थोड़ा फिजिक्स पढ़ाने की बात करते हैं, सब हो ही गया, देख रहे हो जो ना करा दे कोरोना करे जा रहे हैं हम लोग। ठीक, आप भी करिए। ठीक, धन्यवाद। एक चैप्टर और समाप्त हुए आपके, सोशल साइंस का सिलेबस और थोड़ा हल्का हुआ मेरे हिसाब से। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको, लगा कैसा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।